नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं, ये जो DTPLSB जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसके द्वारा जो फरवरी के महीने में एग्जाम लिए गए थे, तो इनकी आंसर की जारी हो चुकी है और इसके साथ ही नोटिस भी है, तो उसको भी जा देखेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले आइकन से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहले तो जो आप ये लेटर देख सकते हैं, मोस्ट अर्जेंट यहाँ पर ये लेटर है और इसको बड़ा कर लेते हैं। ये आपकी डेट है, यहाँ पर हाल ही में कुछ समय पहले जारी हुआ है नोटिस, डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, रेस एग्ज़ाम थे यहाँ पर। और ये आपके पोस्ट है, ये पोस्ट कोड और किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। असिस्टेंट फोरमैन, काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट ग्रेड टू, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट फिल्टर, सुपरवाइज़र, तो इन सभी के यहाँ पर ये एग्ज़ाम थे 27 तारीख तक। और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम फॉर द अबव सेड पोस्ट मे व्यू द फाइनल आंसर की विच कैन बी व्यू बाई द कैंडिडेट्स बाई गोइंग टू द लिंक गिवन एट DTPLSB.gov.nic.in। तो पहले इस लेटर को देख लेते हैं, उसके बाद इनकी साइट पर भी चलेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर नंबर 3 में, और द लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1/6/2022, ये यहाँ पर गलत है, 22 आएगा, 1/6/2022 टू 5/6/2022, 4-1 दिन का यहाँ पर समय यहाँ पर दिया जाता है। तो ये 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का आपके पास समय है और इस डेट के अंदर अंदर सिर्फ आप अपनी आंसर की को देख सकते हैं, उसके बाद लिंक वो एक्टिव नहीं रहेगा और आप अपनी आंसर की को नहीं देख पाएंगे। और आंसर की आर नाउ फाइनल, और ये यहाँ पर फाइनल आंसर की है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, एंड विल रिमेन अनचेंज फॉर दी सेट पोस्ट, नो फादर कॉन्फिडेंस शैल बी इंटर्न इन द रिस्पेक्ट टू फाइनल आंसर की, ये यहाँ पर फाइनल आंसर की है और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो यहाँ पर आंसर किया वही सही मानी गई है। और ये आपका जो डेट है 1 से लेकर 5 तारीख तक आप अपनी आंसर की को देख सकते हैं। तो ये जहाँ यहाँ पर ये नोटिस है, साइट पर इनकी वापस चलते हैं और ये हम इनकी साइट पर आ गए हैं और DTPLSB.dilli.gov.in, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं या फिर इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे जब इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, अब ये यहाँ पर लिंक जो जारी हो चुका है, डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर की फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम फरवरी 2022, और फोर पोस्ट है यहाँ पर 27, 21, 45, 46, 22, 19 और ये 29, 21, तो ये आपका यहाँ पर लिंक है। और जैसे जब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ हो कि पूछेगा, आपने ओके कर देना है और कुछ वैसे ही पेज आएगा जैसे आपका एडमिट कार्ड का पेज था, सेम वैसे ही प्रक्रिया है सारी जैसे आपके एडमिट कार्ड में थी। यहाँ पर वैसे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कैप्चा जो अक्सर यहाँ पर छोटे में है तो छोटे में और बड़े में है तो बड़े में ही फिल कर देना है और यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन कर देने के बाद जो आपको एक नए पेज पर ये लेकर आएगा, वहाँ पर वैसे ही साइड में आपकी पर्सनल डिटेल होगी और साइड में ही आंसर की का भी ऑप्शन होगा। और उसमें जो यहाँ पर आंसर की जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें जो ग्रीन कलर के दिए गए होंगे वही जो है सही आंसर DTPLSB की तरफ से माने गए हैं। तो कुछ इस तरीके का जो ये क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने आएगा, और यहाँ पर आप इसमें ये जो ग्रीन कलर वाला जो देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर ग्रीन कलर वाला जो देख रहे हैं ये DTPLSB की तरफ से सही आंसर माना गया है। तो जो भी ग्रीन कलर में वही सही आंसर यहाँ पर रहेगा, और अगर आपको याद होगा कि कौन सा आंसर आपने सही किया था तभी आप यहाँ पर ये मिलान कर पाएंगे। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण जो अपडेट है ये DTPLSB की तरफ से जारी की गई है, और इस तरीके से आप अपनी आंसर की को देख पाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसे जरूर दूर किया जाएगा। तो
ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, करके महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।